हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ। आप देख रहे हैं यूमी टीसी। तो फ्रेंड्स, एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू ये एक ऐप है जो आपने भी अपने मोबाइल पे देखी होगी। इसका अपडेट भी करना पड़ता है हमें, लेकिन क्या आपको मालूम है ये ऐप क्या है? तो दोस्तों, एंड्रॉयड वेब व्यू जो ऐप है ये एक सिस्टम ऐप है जो कि एंड्रॉयड फोन 4.4 और अवा वर्जन में मिलती है, और ये काफ़ी यूजफुल ऐप है हमारे मोबाइल की परफॉर्मेंस के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे इसके बारे में क्या है एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू, इसको इंस्टॉल करना ठीक है या नहीं, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, एंड्रॉयड जो है वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका कारण है इसका एंडलेस कस्टमाइजेशन ऑप्शन, जो कि यूजर को इसके हर कॉर्नर को कंट्रोल करने की पावर देता है इसके ओपन सोर्स नेचर की वजह से। तो साथ में दोस्तों, इसमें गूगल प्ले स्टोर मिलता है जहाँ ढेर सारी ऐप्स हमें मिलती हैं, तो हम बहुत सारी ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हैं। अब डाउनलोड करते हैं इतनी सारी ऐप्स, तो उनकी वजह से हमारा स्टोरेज भी फुल हो जाता है, और उसकी वजह से ही हमारी परफॉर्मेंस भी डाउन होने लगती है। लेस स्टोरेज हो जाता है तो परफॉर्मेंस डाउन होती है दोस्तों। अब उसको सही करने के लिए हम गेम्स को डिलीट करते हैं, ऐप्स को डिलीट करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, या फिर उसके बाद हम सिस्टम ऐप्स को डिलीट करते हैं। उनमें से ही एक ऐप जो सिस्टम ऐप्स में होती है वो है एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इनको डिलीट करना मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा या नहीं किया जाता है, क्योंकि ये हमारे परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो अब समझते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको बताता हूँ एंड्रॉयड वेब व्यू क्या है। तो दोस्तों, ये एक तरह का ब्राउजिंग का फॉर्म है। ये क्या करता है कि थर्ड पार्टी ऐप्स को, ये जैसे फेसबुक, ट्विटर, इनको ये वेब पेजेस शो करने देता है ऐप के अंदर ही। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप ट्विटर यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल पर, और किसी लिंक पर अगर आप क्लिक करते हैं, तो ये जो लिंक है वो ओपन करती है एक वेब पेज, जो वेब पेज किसी ब्राउजर में खुलेगा। तो ये क्या करता है, ये बैकग्राउंड में उस ऐप में के अंदर ही उस वेब पेज को खोल देता है अपने इनसाइड ब्राउजर से, न कि एक डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड वेब ब्राउजर पर ले जाए बिना। तो आपको किसी अन्य ब्राउजर में ऐप को छोड़ के नहीं जाना पड़ता, ऑटोमेटिक लिंक पर क्लिक करते ही ऑटोमेटिक ये फंक्शन वर्क करता है और आपका वेब पेज खुल जाता है। तो एक तरह का मिनी वर्जन है क्रोम का, जो ऐप्स के अंदर ही लोड होता है। यस, अब इसकी हमें ज़रूरत है नहीं, इसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत है। ये हमारे एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, लेकिन हाँ, इसको डिसेबल या अनइंस्टॉल भी किया जा सकता है। अब दोस्तों, क्या इसको इंस्टॉल करना चाहिए? दोस्तों, कर सकते हो आप, लेकिन इसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप इसे इंस्टॉल कर देंगे, तो पहले ट्विटर के अंदर या फेसबुक के अंदर जब कोई किसी लिंक पर आप क्लिक करते थे, तो ये ऑटोमेटिक आपको वेब पेज पर जाने देता था। लेकिन अब चूंकि आपने इसे डिलीट कर दिया है, तो ये एक डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र खोलेगा, तब जाके आप देख पाएंगे उस वेब पेज को। तो ये टाइम टेकिंग भी है और आपके स्मूथ एक्सपीरियंस को भी डाउन करेगा। तो आप इसको अगर शॉर्ट टाइम के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं चाहें तो, लेकिन बाद में इसको दोबारा से रीइंस्टॉल कर लीजिए एक स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए। और साथ ही दोस्तों, अगर आपका एंड्रॉयड वर्जन ओरियो है या उससे ऊपर है, तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्रोम ही इस सारी चीज़ की देखभाल करता है। तो ये है एंड्रॉयड सिस्टम ऐप व्यू, और ये है इसके फीचर, और सारा कुछ मैंने आपको बता दिया इससे रिलेटेड। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू से रिलेटेड सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।